serious, but that's alright. Hush. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज हमारे पास जो मोबाइल है वो जियो का 120B है। और दोस्तों, इसके अंदर एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कीपैड से रिलेटेड है, और कीपैड से रिलेटेड प्रॉब्लम का वीडियो हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी डिफरेंट है कि ऐसी भी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों, कौन से की इसके वर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो की है इसमें वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद में ये एलईडी काम कर रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो आंसर की, उसके बाद में एक नंबर काम नहीं कर रहा है, चार नंबर काम नहीं कर रहा है, ये सात नंबर, देखिए दोस्तों सात नंबर काम कर रहा है और ये स्टार काम नहीं कर रहा। बाकी सारे जो आपके की है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वाटर डैमेजिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। और दोस्तों, इसके अंदर एक एक्चुअली प्रॉब्लम और भी है, मैं आपको वो भी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिससे हमको एक हमारा मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़नी है इसमें। देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर को हमको यहाँ पे बज़र की रेंज पे रखना है, और हमको ये पता चल चुका है कि जब भी के यहाँ पे कौन से की वर्क नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने हर वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पे जब भी ऐसा होता है तो हमको यहाँ पे एक कॉल टेस्टिंग करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नेविगेशन की में एक ये वाला, इसके आउटडोर बिल्डर पर सप्लाई नहीं है। यहाँ की बात अगर हम करेंगे तो दोस्तों, इसके भी आउटबोर्डर पर सप्लाई नहीं है। और दोस्तों, इन में जो एक नंबर होता है उसमें भी आउटबोर्डर पर सप्लाई नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी चार नंबर का जो की है इस पर भी आउटबोर्डर पर सप्लाई नहीं है। ये सात नंबर तो वर्क कर रहा है, और ये स्टार के भी आउटबोर्डर पर सप्लाई नहीं आ रही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन इसमें सब में आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हम ये सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये हमारे पास में एक दूसरा बोर्ड है, मैं उससे आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये दूसरा बोर्ड है, ये भी 120B है, इससे कुछ चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो कि हमारे वर्क नहीं कर रहे, ये आपस में देखिए दोस्तों, ये आउटबोर्डर, ये आउटबोर्डर, ये आउटबोर्डर, ये एक दूसरे की कनेक्ट है, मतलब चार नंबर तक यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन यहाँ पे हम जो हमारा मोबाइल जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसकी अगर आउटबोर्डर की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट है, लेकिन यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक है। मतलब अगर सप्लाई यहाँ तक आ भी जाती है तो ये दोनों वर्क करेंगे, इसके बाद में दोनों वर्क नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमको इसका आउटबोर्डर भी यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा जब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि इसका कनेक्शन ब्रेक है, लेकिन सबसे पहले हमको इसका जो आउटबोर्डर की जो सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पे इन आउटबोर्डर पे सप्लाई जो नहीं आ रही उसको देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो वाटर डैमेजिंग है इस वजह से सप्लाई यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसका जो सप्लाई है एक्चुअली इसके बैक से पीछे की तरफ जो इसका स्ट्रिप पैनल लगा होता है, ये इसको हमको पहले रिमूव करना होगा, उसके बाद में हम इसकी सप्लाई को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों, हमने डिस्प्ले और स्ट्रिप दोनों निकाल दी है, और एक बार हम वापस आपको चेक करा देते हैं मीटर के द्वारा कि ये मोबाइल वही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई ये नहीं आ रही है और ये मोबाइल वही है। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिप निकाल दी है हमने। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस ब्लैक वाला जो दिख रहा होगा छोटा है, वहाँ पे आपको सप्लाई चेक करनी है। इसके फर्स्ट सिरे पे आपको यहाँ पे सप्लाई को चेक करना है। जो सप्लाई अगर आती है बजर की रेंज पे रखते हुए, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, और क्लियरली भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको चेक करा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उस रेजिस्टेंस पे वैल्यू अगर आती है तो ये समझ जाना कि यहाँ पे हमारा काम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पे एक जम्पर बनाना है, जम्पर जो कि बनाने के बाद में हमको सबसे पहले इस पर आप थोड़ा सा पेस्ट लगा दें ताकि जम्पर बारीक है, आराम से लग जाए और कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आए। तो जम्पर भी हम आपको एक बार क्लियर बता देंगे लगने के बाद में। और ये जम्पर हमको आगे की तरफ ला के जहाँ पे आउट बॉर्डर पे सप्लाई नहीं आ रही थी वहाँ पे आपको लगा देना है। अभी हम टेम्परेरी लगा रहे, बाद में आप अपने हिसाब से मैनेज इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार डिस्प्ले लगाते हैं, और डिस्प्ले लगाने के बाद में इसमें हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम डिस्प्ले को शॉल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप इसको शेयर भी करें, और फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने डिस्प्ले लगा दी है। अब हम एक बार इसको ऑपरेट कर लेते हैं। ऑपरेट करने के बाद हम इसको देखते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने किया है वो सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मोबाइल को हम ऑपरेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने जम्पर लगाया हो यहाँ पे लगाया है, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी थी तो इसलिए दोनों चलेंगे, बाकी नीचे वाले नहीं, क्योंकि आउटबोर्डर से आउटबोर्डर पे हमको जम्पर लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहले आंसर की काम नहीं कर रहा था वो वाला की अब काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार और बताता हूँ यहाँ पे चेक करके। ये देखिए दोस्तों, ये आंसर की जो है हमारा काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे जो साइट का जो की था, देखिए दोस्तों ये भी वर्क करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये वर्क नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका आउट बॉर्डर अभी भी मिसिंग है। आपको आउट बॉर्डर से आउट बॉर्डर पर जम्पर लगाना, जिसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, इसको अगर अपन चेक करेंगे तो इसका इन बॉर्डर और इसका आउट बॉर्डर, अगर आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों, चार नंबर भी वर्क करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको उसको जम्पर करना, चारों के आउट बॉर्डर को आपको ज्वाइन कर देना। यहाँ पे सात नंबर तो वर्क कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे एक है स्टार में भी आउट बॉर्डर की प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार का जो कनेक्शन होता है वो इससे है। ठीक है दोस्तों, आठ नंबर से है, तो आठ नंबर के आउट बॉर्डर पर अगर आप टच करेंगे तो ये स्टार भी वर्क करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है कि आठ नंबर के आउट बॉर्डर से स्टार के आउट बॉर्डर पर एक जम्पर लगा देना, तो ये भी आपका काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार अभी एक जम्पर इसका जो लगाया था वो आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि वो जम्पर हमने कहाँ पर लगाया था। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूंगा वो जम्पर आपको कहाँ पे लगाना एग्जैक्टली। ये देखिए दोस्तों, ये जो जम्पर हमने लगाया है, और डायग्राम के द्वारा भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के इसके फर्स्ट सिरे पे आपको लगाना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।